हेलो दे एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो जैसे कि आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हो, वहाँ पर से बहुत सारों को पता ही होगा कि मैंने एक न्यू प्रोसेसर बाय किया था। बोले तो न्यू नहीं है, वो थर्ड जनरेशन का ही है, बट मेनली वो न्यू है एंड वो रिपब्लिश भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा था। तो वो एक एटम कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो i5-3570K प्रोसेसर। PC के अंदर हम लोग विंडोज 11 को इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पुराने PC में विंडो 11 चले तो क्या क्या करना पड़ता है, वो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को विंडो 11 को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब विंडो 11 डाउनलोड करने के लिए आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप लोग को विंडो 11 इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग को देखिए डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज ISO लिखा हुआ है। इस पर आप लोग को इसका जो विंडो 11 का ISO फाइल है उसको सिलेक्ट करना है एंड डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन कुछ देर के बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोग इंटरनेशनल या यूनाइटेड स्टेट चूज़ कर लेना एंड यहाँ से कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 64 बिट एंड ये 64 बिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। 32 बिट में इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट 64 बिट में तो इंस्टॉल हो जाएगा, उसका तरीका मुझे पता है। अगर 32 बिट का कोई सॉल्यूशन मुझे मिलता है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये 5.16 GB का जो फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, आपको वही डाउनलोड करना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। फालतू का मैं 5.16 GB अभी खर्च नहीं करना चाहता, नहीं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, रूफस RUFUS। रूफस पे क्लिक करना है, यहाँ से रूफस का सबसे पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसको ही ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो रूफस का कुछ लेआउट आपको दिखाया जाएगा कि रूफस इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोग को। थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुका है, तो यहाँ पे रूफस का एक वर्जन डाउनलोड करने का कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। एक गेट हब पे जाना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग गेट हब पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है, इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से रूफस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो हम लोग का ISO फाइल हो चुका है डाउनलोड एंड रूफस भी हो चुका है डाउनलोड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपना पेन ड्राइव लगा रखा है, 16 GB का पेन ड्राइव, इसमें ऑलरेडी विंडो 10 इंस्टॉल है। तो अभी हम लोग इसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाले हैं विंडोज 11 में। तो बूटेबल पेन ड्राइव जो बनाएंगे ना थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने रूफस जो सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। तो ये आ चुका है हमारा रूफस का जो लेटेस्ट वर्जन है, रूफस 4.0। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये यस या नो का ऑप्शन लगा, आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आप लोग का देखिए जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे दिखा रहा है 64 बिट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को ISO फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने ISO फाइल को रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर एंड यहाँ पे मेरे को मिल जाता है, देखिए ये रहा विंडो 11 इंग्लिश इंटरनेशनल 64 बिट। इस पर डबल क्लिक करना है तो कुछ ऐसा ओपन होगा। अगर आप लोग के PC में GPT सपोर्ट करता है तो आप लोग GPT पे ही पुटेबल पेन ड्राइव बनाना। अगर आप लोग का PC या हार्ड डिस्क MBR पे सपोर्ट करता है तो आपको MBR पे ही बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा। तो मेरा इस PC में तो करता है सपोर्ट GPT, तो मैं GPT पे ही इसका बूटेबल पेन ड्राइव बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया वैसे ही एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर रिमूव रिक्वायरमेंट 4GB रैम सिक्योर बूट एंड TPM 2.0, ये टिक हुआ मिलेगा, तो इसको टिक रहना है एंड बाकी सबको भी आप टिक कर सकते हो। अगर आपको जल्द से जल्द विंडो को इंस्टॉल करना है तो ये सब चीज़ें स्किप कर देगा, पर ये सब चीज़ें स्किप करने से ओरिजिनल विंडो जैसा फील आता नहीं है मेरे को, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। ओके कर देना है, फिर उसके बाद वार्निंग आएगी, मतलब आपका पेन ड्राइव में कुछ है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ओके करके उसको परमिशन दे देना है। यहाँ पे हम लोग का जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम बना लेते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगने वाला है। फीचर से बन जाता है फिर आपको मैं बताता हूँ उसके बाद का प्रोसेस आपको क्या करना है। सो यहाँ पे मेरा जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो रेडी हो चुका है बूट होने के लिए। तो अभी हम चलते हैं उस PC में जिस पे हम लोग को बूटेबल पेन ड्राइव को इंस्टॉल करना है, मतलब विंडोज 11 को इंस्टॉल करना है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है वो सेकेंड PC जिसमें मुझे विंडो 11 को इंस्टॉल करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस पे Atlas OS इंस्टॉल किया हुआ था, तो ये है वो मेरा बूटेबल पेन ड्राइव जो इस पे लगा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग अपने PC को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन जो कीबोर्ड में है ना, डिलीट का बटन, उसको प्रेस करते रहना है।
ज़ेब्रोनिक्स के मदरबोर्ड पे डिलीट का ही बटन मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ पे आपको सेव एंड एग्जिट पे आना है, देन उसके बाद UFI सैंडिस्क जो मेरा पेन ड्राइव है उस पर एंटर कर देना है, जो हम लोग का पेन ड्राइव है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है कैसे होता है, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। देन उसके बाद डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि भाई हम लोग का विंडो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। तो भाई लोग यहाँ पे हम लोग का विंडो इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से, एंड आपको ये देखने को भी मिल रहा होगा कि कोई भी लोचा नहीं किया मैंने इस पे। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो आने वाला विंडो है उसी को यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पे आपको मैं चल ले जाता हूँ पहले तो पर्सनलाइज पे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा विंडो एक्टिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, विंडो एक्टिवेट नहीं है, हम विंडो एक्टिवेट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड प्रोसेसर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैं क्या पता कुछ अलग वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को धोखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको इंटेल 5 3570K CPU है 8GB रैम के साथ, ये थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर है। तो इस पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है मेरा विंडोज़ 11 प्रो, ठीक है। बट ये थोड़ा पुराना वर्जन था मेरे पास, इसको हम अपडेट भी करेंगे, जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसका अपडेट आ जाएगा एंड इसको आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा मदरबोर्ड भी लिखा हुआ है, H61S मदरबोर्ड मेरे पास है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला। तो इसी तरीके से आप लोग अपने अनसपोर्टेड PC में विंडो 11 को इंस्टॉल करके इंजॉय कर सकते हो। तो इस पे और भी वीडियोज आएंगे, देखते रहना, गेम वगैरह पे प्ले करके दिखाऊंगा किस तरह का परफॉर्मेंस हमको इसमें मिल जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चली हो या आपका कोई फ़ायदा हुआ हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय टाटा एंड सी यू ऑलवेज।